मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों और लुटेरों से ही मित्रता निभाई थी, इसीलिए देश की जनता लाइन में लगवाई थी। याद तो होगा ही, नोटबंदी की लाइन में तड़प कर मरे थे। बहुतों के अरमान भी टूटे थे, शादी नाते नोटबंदी से छूटे थे। घर में शादी है? वैसे नहीं है। आधार कार्ड के लिए भी तो लंबी लाइन लगवाई थी। अनियोजित लॉकडाउन में पैदल चलते मजदूरों की लंबी लाइनें भी तो भूले नहीं है। राहत सामग्री के लिए लंबी लाइन में रोटी से मोहताज होते मजदूरों की बेबसी लाचारी हमें याद है। और अब फिर से लाइन लगवाई है, कहीं अस्पताल के सामने लाइन, कभी दवाइयों की दुकान के सामने लाइन। हम लोग बड़ौदा से इधर पहुंच गए, पर यहाँ अभी तक पता नहीं चल रहा है इंसान जिंदा है मर गया। कोई बोलता है मर गया, कोई बोलता है वेंटिलेटर पे। हम लोग कर रहे थे कि 2 बजे रात को फोन आता है, सिचुएशन क्रिटिकल है, पर हमको दिखाओ तो सही तो पता चले ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, बस लाश पकड़ा देते, लाश बोलते तुम लाइन में लगो, लाइन में लगो। लाइन में लगने के बाद क्या तुम लोग लाश पकड़ाओगे? इसलिए हम लाइन में लगे, लाश लेने के लिए लाइन में लगे। हर चीज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तुम्हारे इंजेक्शन के लिए लाइन में, तुम्हारे दवा के लिए लाइन में। और तो और, शमशान कब्रिस्तान के आगे भी लाइन लगवाई है। शर्म करो नरेंद्र, तुम्हारी नियत में ठगी है, देश पर पनौती बनकर तुम्हारी बदकिस्मती लगी है। लुटेरो अब तो बस करो, देशवासियों के लिए वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन का प्रबंध करो, अब तो लाइनों में लगवाना बंद करो।